दोस्तों आज अपन एक बुक आर भी एनटीपीसी के रिगार्डिंग एक स्टैंडर्ड बुक आप कह सकते हैं उसका रिव्यू करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक पैकेट आया हुआ है, उसमें आपके ओली बोर्ड के द्वारा आर भी एनटीपीसी के रिगार्डिंग एक बुक बनाई गई है, या आप कह सकते हैं कंपाइल की गई है, जिसमें कि आपको 10 सेट मिलेंगे और उसमें डिटेल में समझाया गया है कि आपके कौन से पोस्ट कहाँ पे, मतलब किस जोन में कितने हैं, कौन से प्रेफरेंस आपको देना चाहिए, जो आपके हैं गुड्स गार्ड या TA या आपके स्टेशन मास्टर, उसका क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए, महिलाओं के लिए अलग प्रेफरेंस दे रखा है कि इस तरह के प्रेफरेंस उनका होनी चाहिए, यानी कि डिटेल RRB NTPC के संदर्भ में इस बुक में दिया गया। हालांकि ये आपके इंग्लिश मीडियम के बुक हैं, लेकिन मुझे आशा है कि जल्द ही इसके हिंदी मीडियम के भी बुक रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ये जो पैकेट है वो आज ही आया है मेरे पास, तो इसको अपन थोड़ा सा निकाल के देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दे रखा है। ठीक है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा इधर से ओपन करूँ। ठीक है, ये इसका बुक है, देखिएगा आपको मैं पास ला के दिखाऊँ तो दिख रहा होगा, ये प्रॉपर RRB NTPC के लिए कंपाइल किया गया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि RRC ग्रुप डी के जो बच्चे हैं इसको नहीं ले सकते हैं, वो भी इसको परचेज कर सकते हैं, लगभग आपके सिलेबस एक ही है। ठीक है, तो ये देखिएगा इसमें टोटल स्टेज 1 के 10 प्रैक्टिस सेट है और ये आपके हार्ड कॉपी में मिल जाएंगे। ठीक है, इसको कहाँ से परचेज करनी है आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको एक सैंपल के तरीके से कंपाइल किया गया है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर देखेंगे इसके जो ये पृष्ठ है, ठीक है, उससे पहले ही इसके जो आप देखेंगे कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर RRB NTPC, RRB ALP ग्रुप डी, RRB JEE, यानी कि सभी के लिए इसके वेबसाइट पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, और अगर इसके वेबसाइट की बात करें तो उसका लिंक भी हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर हम इसके बुक के अंदर की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिएगा प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2, इस तरह से 10 पेपर दे रखे हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट यहाँ पे अंदर जाएँ, फर्स्ट पेज के बाद जाएँ, तो देखिएगा फॉर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर मेल कैंडिडेट्स, उनको पहले प्रेफरेंस में क्या देनी चाहिए, ट्रैफिक असिस्टेंट, उसके बाद गुड्स गार्ड, इस तरह से ये इनका ओपिनियन है। आप अपने तरीके से भी इसका जो प्रेफरेंस है वो दे सकते हैं, हालांकि वो तो अब मैटर ही खत्म हो गया क्योंकि आप लोगों ने दे चुका होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें और भी तरीके से समझाया गया है RRB NTPC के बारे में। इसमें ये देखिएगा यहाँ पे नीचे दे रखा है, देखिएगा कि 12th लेवल के बच्चे का प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए थी। ठीक है, उसके बाद सभी जोन में कौन से पोस्ट के कितने वैकेंसी है, जो कि आपके नोटिफिकेशन में भी है, तो बस वही सब चीज़ें हैं इसमें शुरू में। ठीक है, उसके बाद क्या सैलरी होगी, ये सब चीज़ें भी दे रखी है कि कौन से पोस्ट के लिए क्या सैलरी होगी। उसके बाद यहाँ पे डिटेल सिलेबस की बात करें, देखिएगा नंबर वगैरह कितना नंबर का कौन सा पूछा जाएगा। उसके बाद मैथमेटिक्स का सिलेबस दे रखा है कि ये चीज़ से पूछा जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के बारे में दे रखा है कि ये जो टॉपिक है इससे पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होती है और प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पर देखिएगा, एक प्रैक्टिस सेट में जो कि आपके तकरीबन जितने क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे, यानी कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उतना ही क्वेश्चन है, यानी कि 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपको आंसर भी दे रखा है, उसके बाद उसका डिटेल सॉल्यूशन भी दे रखा है। ठीक है, और ये इंग्लिश मीडियम में है, अभी तो ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है, लेकिन मेरी बात हुई है कि आपके लिए भी जो बुक है वो कंपाइल किया जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो नॉर्थ वाले जितने भी बच्चे हैं और ईस्ट, और आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में भी लगभग अब धीरे धीरे हिंदी ही चल रही है, तो बहुत सारे बच्चे वंचित ना हो जाए, इसलिए इसको हिंदी में भी कंपाइल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि आपको ये बुक लेनी है नहीं लेनी है, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ इसके और भी बेनिफिट है कि आप इसके वेबसाइट पे, जो ओली बोर्ड है इसके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिनी टेस्ट रोजाना 30 क्वेश्चन एकदम से, वो आपको एक सैंपल देगा कि 100 क्वेश्चन का आप कह सकते हैं 1/3। ठीक है, 1/3 होता नहीं है, लेकिन आप मान के चलो कि 1/3 अगर आप रोजाना लगा रहे हैं तो एकदम से 100 नंबर वाला फीलिंग आएगी। और उसके जो स्टैंडर्ड है भाई, आपने लगाया होगा बहुत सारे जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपने लगाया होगा, बहुत सारे कंपनी का आपने जो टेस्ट सीरीज खरीदा होगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ एक बार
नहीं, एक बार में तो आप जो माइंड जो होता है ना वो वॉश हो जाता है कि यही जो कंपनी है या इसी का टेस्ट सीरीज बेटर होगा। लेकिन नहीं, आप इसको 1 से 3 बार लगाइए, ठीक है। यानी कि फर्स्ट दिन लगाइए, फिर सेकंड दिन लगाइए, उसके बाद थर्ड दिन। उसके बाद मैं आपको गारंटी लेता हूँ, 3 दिन लगाने के बाद आप कहेंगे कि इसका जो मिनी टेस्ट है या टेस्ट सीरीज है या जो भी है वो मतलब औरों से ठीक ठाक ही है और इसका स्टैंडर्ड एकदम से वही लेवल है। यानी कि जो आपका आरबी एनटीपीसी पूछेगा उसी के लेवल का ये आपका टेस्ट सीरीज, यहाँ पे क्वेश्चन इसमें सेट किए जाते हैं, ठीक है। तो और भी जो भी बुक आएगा मेरे पास उसको रिव्यू मैं करता रहूँगा, तो आप देख लीजिएगा कि कैसा ये बुक है, आप अपने तरीके से। मैंने बता दिया कि इसमें क्या क्या कंटेंट है, आपको मैंने बता दिया कि 10 टेस्ट है इसमें, उसके बाद इसमें क्या क्या जो डिटेल सिलेबस होता है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सभी चीज़ें इसमें दे रखी है, ठीक है। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।